जीवधारी और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी जैविक समुदाय, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी, नंबर डी वायुमंडल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। जीवधारी और उनके वातावरण के जो पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है वो आपका पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी कली। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसके कारण पत्तियों के रंग लाल, नारंगी तथा पीला होता है। ऑप्शन ए कैरोटीनॉइड के कारण, क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन सी ऑक्सीजन के कारण, ऑप्शन डी वायुमंडल के कारण। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कैरोटीनॉइड के कारण पत्तियों का रंग लाल, पीला और नारंगी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत बार यूपीटेट सीटेट की एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी लैमार्क ने, ऑप्शन सी एजी टेंसली ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो तो आप सभी साथियों को बता दें कि इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एजी टेंसली ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण धान में खैरा रोग लगता है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जस्ता। जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा रोग लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है एजोला नामक जलीय फर्न को कृषि में किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए कीटनाशक, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी जैविक उर्वरक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसको एजोला को कृषि क्षेत्र में जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किसके माध्यम से कुनाइन की दवा बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए नीम की छाल से, ऑप्शन नंबर बी बबूल की छाल से, ऑप्शन नंबर सी सिंकोना की छाल से, ऑप्शन नंबर डी ताड़ की छाल से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंकोना की छाल से जो है कुनाइन की दवा बनाई जाती है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पौधे में पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुँचता है या कौन पहुँचाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका है जाइलम, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी ऊतक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भाग में जो है हमारा फ्लोएम पहुंचाता है, यानी कि फ्लोएम एक प्रकार का सम्मोहनी ऊतक है, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या आवश्यक नहीं है। तो आप सभी को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी
क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी पानी। तो आप सभी को बता दें कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के स्थान पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, पानी, ये सब क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका प्रश्न के हिसाब से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में और मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है? तो आपका ऑप्शन से ऑक्सिंस, ऑप्शन बी जिब्रेलिंस, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी एथिलीन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एथिलीन जो ऐसा हार्मोन है जो फलों को पकाने और मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि कर। सभी साथियों को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह का एजुकेशन वीडियो हमारे इस चैनल पर आता रहेगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।